के बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल ने क्यों किया सेलिब्रेशन प्रियांक शर्मा के साथ, आइए आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी। प्रियांक शर्मा और हीना खान बिग बॉस सीजन 11 के बने हुए बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जहां पर भले ही सीजन खत्म हो गया हो लेकिन इनके बीच की दोस्ती दिन ब दिन और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। आपको बता दें कि बिग बॉस 11 में लव प्रियांक और हीना की इस बॉन्डिंग के बारे में काफी चर्चे हुए थे, जहां पर इनकी ये दोस्ती आज तक कंटिन्यूड है। शो के अंदर भले ही काफी सारे अप्स एंड डाउन हुए हो लेकिन ये हमेशा तीनों एक साथ नजर आते हैं। लव भले ही इनकी मीटिंग को मिस कर देते होंगे क्योंकि बेचारे लव दिल्ली में बेस्ड है, वहीं हीना और प्रियांक अक्सर एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि हीना और प्रियांक एक भी मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करने का और उनके अचीवमेंट्स को गिनाने का, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इनकरेज करते हुए नजर आते हैं और हमेशा ही हम सभी को फ्रेंडशिप गोल्स देते हैं। वाल आपको बता दें तो वर्क फ्रंट की बात की जाए तो प्रियांक के पास फिलहाल म्यूजिक वीडियो और उनकी अपकमिंग वेब सीरीज के अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं सेलिब्रेट करने के लिए। प्रियांक ने खुद के लिए इस न्यू ईयर में एक न्यू कार खरीदी है, जिसके लिए उन्होंने सेलिब्रेशन पार्टी का मूड बनाया, जहां हीना खान ने उन्हें ज्वाइन किया अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ। हीना ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक वीडियो को शेयर किया है, जहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि रॉकी जायसवाल के साथ मिलकर प्रियांक शर्मा को कॉन्ग्रेचुलेट तो कर ही रही है, साथ ही साथ उनकी टांग खिंचाई भी करते हुए नजर आ रही है। हीना और प्रियांक की फोटोज अक्सर आए दिन सोशल मीडिया पर छाई रहती है, जहां इनकी दोस्ती काफी ज्यादा मशहूर है। वहीं आपको बता दें कि हमारी तरफ से प्रियांक और हीना दोनों को ही कांग्रेचुलेशंस अपने अपने फील्ड में अपने अपने काम को करने के लिए। हीना खान फिलहाल कमोलिका के रोल में कसौटी जिंदगी से लोगों को एंटरटेन कर रही है, जहाँ भले ही हीना का किरदार नेगेटिव हो लेकिन दर्शक उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रियांक की बात की जाए तो प्रियांक फिलहाल आर्ट बालाजी की अपकमिंग वेब सीरीज पंचबीट में नजर आने वाले हैं और साथ ही साथ उन्होंने म्यूजिक वीडियो भी शूट कर लिया है, जो नेहा कक्कर के साथ आने वाला है। इसके लिए ये दोनों ही अपने अपने फिल्म में धूम मचाने को पूरी तरह से तैयार है। वो देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब प्रियांक, हीना और रॉकी की ये जोड़ी आगे कौन से नए मोड को सेलिब्रेट करती हुई नजर आती है। आपका इनकी दोस्ती पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।